हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास है RS BS3 और रॉयल एनफील्ड की बुलेट क्लासिक 350 BS3 मॉडल 2016। ये भी है 2016, वो भी है। ये 350 है, वो 200 cc है और ये फ्यूल इंजेक्टेड है। ये कार्बोरेटर पे गाड़ी है और दोनों में एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों में एग्जॉस्ट है, उसमें भी 80 प्रोजेक्ट है और इसमें भी एक्सटर्नल एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और तो चलिए रेस को शुरू करते हैं। और एक चीज़ बता दें, वो लिक्विड कूल्ड है, ये नॉन लिक्विड कूल्ड गाड़ी है और इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन है। अगर आपको वीडियो चाहिए होगी बुलेट पे तो आप बताना, एक अलग से वीडियो बना दूंगा और अपनी बिल्लो रानी की वीडियो आने वाली है मॉडिफिकेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं और रेस में देखते हैं कि कौन जीतती है कौन नहीं जीतती है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ही बने रहना और प्यार देते रहना। और चलिए शुरू करते हैं। हम चलाएंगे RS को पहले और फिर सौरभ भाई चला रहे हैं बुलेट को। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन विन करता है। हॉर्न है ना तुम्हारी गाड़ी में? हॉर्न 3 बार देना। हॉर्न तो दे, हॉर्न 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 3 बार देना। तो जैसा आपने देखा, बुलेट वाले हमारे छपरी भाई वो बेचारे हार गए रेस को। अपनी बिल्लो रानी ने रेस को विन किया। कोई मतलब नहीं बनता है कि राइडर स्विच करे, क्योंकि ये एक क्लासिक गाड़ी है और वो एक रेसिंग सेगमेंट में आ जाती है। तो पब्लिक डिमांड पर रेस की, लेकिन भाई रेस को विन करती है RS BS3 मॉडल और बुलेट हारती है इस रेस को। और ऐसे ही चैनल पर बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे इस छपरी भाई को प्यार जरूर देना। थैंक यू सो मच। और इसका भी चैनल है सौरभ ब्लॉग्स करके, उसको भी खोज लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच और ऐसे ही प्यार बनाए रखना।